समाजवादी पार्टी व्यापार सभा द्वारा मिर्जापुर समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष रूपेश वर्मा ने कोविड-19 काल में व्यापारियों को राहत सुविधा देने के लिए सरकार से मांग की है कि इस कोविड-19 की दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के करोड़ों व्यापारी त्राही त्राही कर रहे हैं। आज हर व्यापारी को विकट कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शायद ही कोई व्यापारी होगा जिसका परिवार ही दूसरी लहर में कोविड-19 से बचा होगा। व्यापार बंद है और इलाज का भाव है। नोटबंदी और जीएसटी से परेशान व्यापारी अभी तक संभला ही नहीं कि एक वर्ष में दो बार लॉकडाउन ने तो व्यापारियों की कमर ही तोड़ दी। प्रदेश के करोड़ों बड़े मध्यम वर्गीय छोटे लघु व्यापारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कठिनाइयों को देखते हुए समाजवादी व्यापार सभा आपकी सरकार से तत्काल व्यापारियों के लिए निम्नलिखित मांग करती है। प्रदेश के सभी दुकानदारों के अप्रैल व मई के माह के बिजली का बिल माफ करे। सरकार जीएसटी मंडी शुल्क रेडी पंजीकृत सभी व्यापारी दुकानदारों को ठेले वाले अधिक मुफ्त मेडिकल बीमा की सुविधा दे। सरकार कोरोना की वजह से मृत्यु पर जीएसटी मंडी शुल्क या किसी भी विभाग में पंजीकृत व्यापारी के परिवार को 10 लाख मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही पंजीकृत व्यापारी वाले, पटरी वाले, गाड़ी वाले को भी मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख मुआवजा सरकार दे, ये भी कहा गया है। एनपीए की अवधि 90 दिन से 180 दिन करे। सरकार व्यापारी अप्रैल महीना ब्याज माफ कर उद्योग की कमर्शियल बिजली मीटर पर मिनिमम चार्ज की जगह असल में हुई बिजली खपत सरकार मजदूरों व कमजोर वर्ग की तरह ठेले वालों को भी मुफ्त राशन दे। सरकार दुकान खुली मिलने पर पुलिस द्वारा व्यापारियों से अमानवीय व्यवहार की शिकायत आ रही है, तत्काल सूचित करें। किसी के साथ भी अमानवीय व्यवहार ना हो, हफ्ते में 2 दिन दुकान की सफाई की जरूरत है। इन सभी मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष रूपेश वर्मा ने सरकार से मांग की है।